बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा के साथ समिति के सदस्य रहेंगे मौजूद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। एमपी, राजस्थान के उम्मीदवारों पर भी लग सकती है मुहर। आज तेलंगाना के दौरे पर पीएम मोदी, महबूबनगर में 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। तेलंगाना दौरे से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके बीआरएस पर निशाना साधा, लिखा बीआरएस के लचर शासन से थक चुके हैं लोग। पीएम मोदी की अपील पर आज देश भर में स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान के जरिए बापू को दी जाएगी स्वच्छांजलि। स्वच्छता अभियान में बीजेपी सभी बड़े नेता शामिल होंगे, मंत्री, सांसद, विधायक भी इसमें शामिल होंगे। जेपी नड्डा दिल्ली के झंडे वालान में स्वच्छता अभियान को करेंगे लीड, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगे। आज सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी नैमिषार में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कोलकाता से दिल्ली जा रहे टीएमसी नेताओं की फ्लाइट रद्द, टीएमसी ने फ्लाइट रद्द को राजनीति से प्रेरित बताया। फ्लाइट रद्द होने के बाद साकेत गोखले ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा मोदी सरकार का डर अविश्वसनीय। कोलकाता से प्रदर्शन के लिए दिल्ली रवाना हुए टीएमसी कार्यकर्ता, 50 बसों में 4,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हुए रवाना। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी करेगी प्रदर्शन, कल जंतर मंतर पर अभिषेक बैनर्जी की अगुवाई में होगा प्रदर्शन। निपार अहमदाबाद के उद्घाटन में अमित शाह ने कहा अब खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है भारत। उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद। महिलाओं पर दिए बयान पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दी सफाई, कहा मेरे बयान का सिर्फ एक लाइन दिखाई। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर सांसद सुनीता दुग्गल का पलटवार, कहा बयान से उनकी संकीर्ण सोच दिखती है। मनोज झा का तेजस्वी यादव ने किया समर्थन, कहा मनोज झा ने किसी जाति का अपमान नहीं किया। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा पंजाब में नहीं होना चाहिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। नूह हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक मामन खान को मिली जमानत, कोर्ट ने दो मामलों में दी जमानत। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का निर्देश, गंभीरता से हो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण। भारत अमेरिका संबंधों पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आज भारत और अमेरिका ऐसे मुकाम पर जहां एक दूसरे को हम देखते हैं सहज साझेदार। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया, 45 दिनों की फंडिंग के लिए पेश विधेयक को दोनों सदनों से मंजूरी मिली, इसमें यूक्रेन को सहायता देना शामिल है। व्हाइट हाउस ने जारी किया लिखित बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस के दोनों सदनों का समर्थन किया। खार्किव में भारी मात्रा में सैन्य उपकरणों के साथ डटी यूक्रेनी सेना, मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से हमला किया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस सेना का तोपखाने से हमला, धुआं धुआं हो गया पूरा इलाका। जोरदार धमाके से दहला उड़ीसा का इलाका, उड़ीसा समेत आसपास के इलाके में सुनी गई विस्फोट की आवाज। रूसी सेना ने ज़ाप्रेज़िया के गांव में यूक्रेनी वाहन पर हमला किया, आग लगने के बाद तबाह हो गया सैन्य वाहन। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट ने बरपाया कहर, रूसी क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। यूक्रेनी लड़ाकू विमान सुखोई 25 ने अनगाइडेड मिसाइलों से हमला किया, तबाह हो गए रूसी सैन्य ठिकाने। लुहांस के कुजमाइन गांव के पास यूक्रेनी सेना का ड्रोन से हमला, रूसी सैन्य ट्रक को निशाना बनाया। अर्चना गौतम को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, अनुशासनहीनता के मामले में हुई कार्रवाई। चेन्नई में टीवी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कावेरी विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में कलेक्शन एजेंट से 17 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट। दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की हत्या, बदमाशों ने कासिफ नाम के युवक की हत्या की। दिल्ली के टैगोर गार्डन में महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला, घायल महिला डॉक्टर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के बुराड़ी में दो युवकों की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल, दो गुटों में हुई थी झड़प। यूपी के लखीमपुर खेरी में प्रेमिका की नाबालिग बहन की हत्या, शव को कब्र में दफनाया, पुलिस मामले की जांच कर रही। जयपुर के रामगंज में युवक की हत्या के बाद तनाव, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। जयपुर की घटना पर एसपी, सांसद एसटी हसन का बीजेपी पर निशाना, कहा विवाद के लिए धर्म वाली सियासत जिम्मेदार। लखनऊ में घर के बाहर खेल रही बच्ची को कार ने रौंदा, घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, अमेरिकी सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्सर से बारूद बरसाया। डोनेस में यूक्रेनी सेना का ड्रोन से हमला, रूसी एंटी टैंक गन को निशाना बनाया। रूसी सेना ने स्कैंडर मिसाइल से यूक्रेनी ट्रेन पर किए क्लस्टर बम से धमाके, धुएं के गुबार से भर गया इलाका। यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले इलाके में सुनी गई विस्फोटों की आवाज, प्रशासनिक केंद्र में रूसी मिसाइलों के हमले की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने क्लेशचेवका का जारी किया वीडियो, जंगी मैदान में हमले के बाद यूक्रेनी सैनिकों के शवों को दिखाया। रूस का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला, यूक्रेनी सशस्त्र बलों के पॉलिश होवित्सर को विस्फोट करके तबाह किया। रूसी हमले से दहला यूक्रेन, इवानो
में के एक गांव पर रूस का हमला हुआ, पूरे इलाके में आग लग गई। चेर्निहाइव के सेवरस्की में बड़े जंग की तैयारी में रूस, हर दिन बढ़ती जा रही रूसी सैनिकों की संख्या। यूक्रेन आज पहली बार नई तारीख पर मनाएगा डे ऑफ डिफेंडर, यूक्रेन के लोगों से जंग में मारे गए लोगों का सम्मान करने का आग्रह। यूक्रेनी इलाकों को रूस में शामिल करने की पुतिन ने सालगिरह मनाई है। रूस ने यूक्रेन पर रात भर ड्रोन से हमले किए। यूपी के चित्रकूट में बदमाशों ने छात्रा को अगवा कर मंदाकिनी नदी में फेंका, घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती। पटना एयरपोर्ट पर एक यात्री हिरासत में लिया गया, शख्स पर क्रू मेंबर के साथ छेड़छाड़ का आरोप। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में चोरी के आरोप में नाबालिग की पीट पीट कर हत्या, तृणमूल पंचायत सदस्य समेत 6 लोग गिरफ्तार। अहमदाबाद में ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन, ऑपरेशन में 48 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। मुंबई में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के मामले में एक शख्स हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ। अजमेर में जाली नोट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा, पूछताछ जारी। मुंबई पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से एनडीएमए टैबलेट और हेरोइन बरामद। लुधियाना कोर्ट परिसर में दो गुटों के बीच खूनी झड़प, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया स्पा, बीरेन्द्र सिंह सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल में आपदा प्रभावित लोगों के लिए 4500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान, एसडीआरएफ के लिए 12 करोड़ रुपए जारी। यूक्रेन के 4 इलाकों पर दावा करने की सालगिरह पर मेदवेदेव का बड़ा बयान, और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है रूस। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव बोले, कीव में नाजी शासन के पूर्ण विनाश तक जारी रहेगा विशेष सैन्य अभियान, कहा जीत हमारी ही होगी। यूक्रेन ने जंग के दौरान 5000 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा 2 घंटे में 33 में से 26 ड्रोन मार गिराए। ज़ापोरिज़्या के बाहरी इलाके में रूस ने दागे रॉकेट, हमले में 5 लोग घायल हो गए। ज़ापोरिज़्या के सैन्य प्रशासक का दावा, रूसी सेना ने इलाके में 2 रॉकेट से हमला किया, 5 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की रोमानिया ने जांच शुरू की, रूस ने कल रात भर यूक्रेनी ठिकानों पर हमले किए। सीमा के करीब रूस के हमलों ने बढ़ाई रोमानिया की चिंता, सितंबर की शुरुआत में मिले थे ड्रोन के मलबे। यूक्रेन के रक्षा उद्योग को सैन्य केंद्र में बदलना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, कहा मिसाइल ड्रोन और गोला बारूद और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना लक्ष्य है। नेटो महासचिव ने यूक्रेन को बेहतर सैन्य क्षमता की बताई जरूरत, कहा केवल वीरता ही नहीं रोक सकती मिसाइलें। साइबेरिया इलाके के बुराटिया में पटरी से उतरी मालगाड़ी, घटना की जांच में जुटा बैकाल ट्रांसपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हथियार। किसानों का रेल रोको आंदोलन खत्म, आंदोलन की वजह से 180 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई, देरी से चल रही 20 से ज्यादा ट्रेन। चंडीगढ़ के एक घर में बीफ की सूचना के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार में फर्जी डीएम बनकर लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार, शख्स पर यौन शोषण का भी आरोप। तमिलनाडु के नीलगिरी में खाई में गिरी बस, 35 पर्यटक घायल हुए, सभी अस्पताल में भर्ती। भोपाल में एयर शो के दौरान टीन शेड गिरा, कई लोग घायल, टीन शेड पर चढ़कर देख रहे थे एयर शो। यूपी के बाराबंकी में रील बनाते वक्त ट्रेन की चपेट में आए युवक, मौके पर हुई मौत। मुंबई के पनवेल में मालगाड़ी पटरी से उतरी, पनवेल वसई रूट पर यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 ट्रकों के बीच टक्कर, हादसे की वजह से NH44 पर फंसे सैकड़ों वाहन। ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो पर आज से लगेगा 28% GST, CBIC चेयरमैन संजय अग्रवाल ने दी जानकारी। पाकिस्तान में घरेलू गैस की कीमत में 20.86 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ, घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,079 रुपए हो गई। बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, पूरे इलाके में सड़कों पर उतर आया नाराज लोग। कराची के पोर्ट कासिम की जामी मस्जिद दा अबू बकर के इमाम मुफ्ती कैसर फारूक की गोली मारकर हत्या, 2 अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अडियाला जेल में किया जा रहा मानसिक तौर पर प्रताड़ित, पीटीआई अध्यक्ष के वकील नईम हैदर ने आरोप लगाया। ब्रिटेन में खालिस्तानी गुंडों और पाकिस्तानी आईएसआई प्रायोजित कठपुतलियों को बड़ा झटका, ग्लासगो गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब सभा ने भारतीय उच्चायुक्त पर हमले की निंदा की। खालिस्तानी चरमपंथ की घटनाओं पर यूके सरकार के पूर्व सलाहकार कॉलिन ब्लूम ने जताई चिंता, कहा कि स्थिति इसलिए खराब हुई क्योंकि पश्चिमी सरकारों ने पर्याप्त काम नहीं किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बीएनपी ने आयोजित की महिला रैली, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी हजारों की संख्या में महिलाएं। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोइजू ने जीत हासिल की, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार मोइजू को मिले 53% से अधिक वोट। एशियाई खेल में भारत को स्क्वैश और टेनिस में स्वर्ण पदक, शनिवार को भारत का शानदार प्रदर्शन, 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित भारत की झोली में कुल मिलाकर 5 पदक। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ जर्मनी में विरोध प्रदर्शन, अफगानिस्तान में कार्यकर्ताओं को अभियान में शामिल होने की अपील की गई।
मुंबई के दहिसर में वर्धमान इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगी आग, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एमपी के इंदौर में दो फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, कई किलोमीटर तक नजर आई आग की लपटें। कोलकाता में परफ्यूम के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के मिर्जापुर में जमीन से निकल रही आग की लपटें, ट्यूबवेल के लिए हुई थी खुदाई। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट जमा करने की तारीख बढ़ाई, 7 अक्टूबर तक जमा करने और बदलने की तारीख बढ़ी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 209 रुपए बढ़े, अब 1731 रुपए मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात से 4 अक्टूबर तक होगी बारिश। गुवाहाटी में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, निचले इलाकों में घरों और दुकानों में घुसा पानी। पुरी में सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने स्वच्छता दिवस पर पीएम मोदी की बनाई तस्वीर, पीएम मोदी के सफाई करते हुए दिखाया गया। धरती से 9.2 लाख किलोमीटर दूर पहुंचा देते एल्बन, अब लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर बढ़ाया कदम।